डन दिस प्रूफ यस बता यस सर हो गया पक्का यस यस सर गुड गुड तो इन सेंटर का फॉर्मूला याद रखोगे क्या करोगे फटाफट एक ट्रायंगल बनाओगे ax1 + bx2 + cx3 डिवाइडेड बाय सम ऑफ द साइड्स क्लियर एवरीवन यस सर यस बाद में हमारे काफी काम आएगा अभी ठीक है चलो एक क्वेश्चन करो स्टार्ट सर पासिंग थ्री के बाद क्या है? पासिंग थ्रू इट आर फटाफट कर रहे हो ना बच्चों डायग्राम कंपल्सरी है एवरीवन यस सर बी और सी कितना है एवरीवन -5.1 -5.5 राइट यस -9.3 ठीक है करो करो साइड ए की लेंथ
वेरी गुड लड़की. बी की सर लाइन स्क्वायर रूट ऑफ 4 × 17, 2 √17. मतलब आंसर अच्छा नहीं आने वाला है. ठीक है, मैं तो रैंडम दिए थे. सी कितना है? 52 √13. बस फॉर्मूला लिख लो अब तो आंसर तो आ ही जाएगा. राइट अभी एंड रूट 2 × 1 प्लस 2 √17 × −5 प्लस 2 √13 × 9 डिवाइडेड बाय 10 √2 प्लस 2 √13 प्लस 2 √17 कॉमा एंड सो ऑन. फटाफट कम ऑन फिनिश इट ऑफ. Can I start everyone? Yes. Yes, sir. Yes. Done, na? Yeah. Chalo. In center ka formula kar liya. Ab next hume padhna hai ortho center. Altitudes ka. Padh ke aaya gaya Dhruvil is baar. Point of intersection of what, bacho? परपेंडिकुलर नहीं होता. परपेंडिकुलर तो ये भी है. दिख रहा है साइड का परपेंडिकुलर बोलते हैं. परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स. ये परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स इज कॉल्ड एज व्हाट? ऑल्टीट्यूड. एम आई क्लियर एवरीवन? यस यस. इन सब का इंटरसेक्शन इसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर. ऑर्थो सेंटर को यूजुअली ओ से डिनोट करना चाहिए बट करते नहीं है. बुक्स में ज्यादातर एच फॉलो करते हैं तो अपन भी वही करते हैं. लेट्स से कंफ्यूजन नहीं. क्लियर एवरीवन? यस. ऑर्थो सेंटर को किससे डिनोट करते हैं वापस? एच. एच. यस. इंटरसेक्शन किसका होता है? ऑल्टीट्यूड. ओके, तो इसको निकालने के लिए देर इज अ फॉर्मूला. मैं लिख लेता हूँ बट कुछ काम का नहीं है. सुन लिया सबने? यूजलेस. वो ऐसा इतना मेहनत कर लिया तो हो गया. कर लिया सिग्मा 10A अपॉन सिग्मा 10A कॉमा सिग्मा y1 10A अपॉन सिग्मा 10A. चलो इधर देखना. वो लिखना बंद करो. इधर देखो एक बार. सिग्मा x1 10A मतलब क्या? ये 10A कौन है? हाँ कौन है बच्चों? सर एंगल है. एंगल्स मतलब समझ रहे हो कि ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए एंगल्स निकाले. इतना कोई इजी देर का होता क्या? सिर्फ वर्टाइसेस दे रखे होते हैं वो तो. एग्री करो? यस सर. यस सर. तो वर्टाइसेस एंगल निकालना भारी काम होता है. वो तो पूरा SOT चैप्टर हो गया एक तरीके से. मेनली उसमें कोसाइन रूल यूज करना पड़ेगा. उतनी मेहनत करेंगे तो हो गया फिर से. समझ गए मेरी बात? दिस फॉर्मूला इज नॉट एट ऑल डिजायरेबल. जस्ट लिखने के लिए लिख दिया मैंने. यहाँ तक क्लियर? यस सर. सो ऑर्थो सेंटर निकालने के क्या तरीके हैं वो मैं लिख रहा हूँ. स्टेप्स टू फाइंड ऑर्थो सेंटर. फर्स्ट, सबसे पहले अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन में है तो तुम्हें क्या ट्राई करना चाहिए कि भगवान से दुआ करो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल निकल जाए. चेक इफ इट्स राइट ट्राइंगल. कम ऑन. क्यों? एंगल्स निकालने में इजी हो जाएगा. अगर ये राइट ट्राइंगल है तो फिर क्या?
सर m1 into m2 is equals to minus 1. नो नेक्स्ट मैं पॉपअप हटा रहा हूँ तब तक तुम जल्दी आंसर करो नेक्स्ट सर वो b हो गया सर ab और bc खुद ही मतलब अल्टीट्यूड है हाँ ab और bc खुद ही अल्टीट्यूड है मतलब b कौन है कम ऑन ऑर्थो सेंटर एग्रीड ऑल ऑफ यू b खुद ऑर्थो सेंटर है यस सर देखो bc पे अल्टीट्यूड कौन है बताओ अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर कौन है ab है एग्रीड यस सर यस सर देन ab पे अल्टीट्यूड कौन है BC. BC. दोनों altitudes का intersection कौन है? Vertex B. Point B. So vertex B is nothing but ortho center. तो भगवान से दुआ करोगे ना? Everyone? Yes. ये right angle triangle निकल गया तो फिर तो all our hard work is saved. अगर ortho center के right angle triangle नहीं है, तो then actually पहले circumcenter निकालना चाहिए, जो भी मैं next page पे बताने वाला हूँ. ये पॉप को पता नहीं कहाँ से है. Find circumcenter first. If it's easy to find, obviously. And use. अब बंद हो जाएगा. हाँ, find circumcenter first and use important concept called as Euler's line. जो भी पढ़ा दिया या पढ़ाना है पढ़ाना है पढ़ाना है यूज यूलर्स लाइन टू फाइंड ऑर्थो सेंटर एंड वेरी फ्यू सिचुएशंस वेरी वेरी फ्यू सिचुएशंस समटाइम्स इट्स इजी टू फाइंड व्हाट टू ऑल्टीट्यूड्स कम ऑन ऑल्टीट्यूड भी एक लाइन होती है ना एवरीवन यस सर तो अगर तीनों वर्टेक्स दे रखे हैं देखो इधर तीनों वर्टेक्स दे रखे हैं तो इसका स्लोप आ जाएगा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन अभी निकालना सिखाया नहीं है बट जब मैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालना सिखा दूंगा तब तुम हम ए बी की इक्वेशन निकालेंगे बी सी की इक्वेशन निकालेंगे और दोनों को सॉल्व करेंगे टू फाइंड आउट व्हाट टू ऑल्टीट्यूड्स इक्वेशंस टू सॉल्व फॉर ऑर्थो सेंटर क्लियर बच्चों यस मतलब ये पॉइंट वैसे ही कब बहुत कम यूज होता है बट इसमें क्या निकालना पड़ेगा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो भी निकालना बाकी है Is that clear? Yes. Yes. इतना तो पता है ना कि स्ट्रेट लाइन चैप्टर का नाम है तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन तो निकालोगे ही ना हाँ है ना कार्टून yes, 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 तो दोनों वर्टेक्स दे रखे हैं तो BC की इक्वेशन निकल जाएगी BC की इक्वेशन निकल जाएगी तो हमारा ऑल्टीट्यूड जो AD है उसका स्लोप निकल जाएगा उसका स्लोप पता है और वर्टेक्स A पता है तो AD निकल जाएगा बट मेहनत का काम है ऐसे ही एक और ऑल्टीट्यूड निकालना पड़ेगा और दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा मेनली कौन से स्टेप्स फॉलो होंगे क्वेश्चन में वन टू थ्री में से मेनली वन एंड टू वन और टू बिल्कुल सही वन एंड टू डन क्या बच्चों
Yes, sir. So one. Yes, sir. Done, sir. आगे बढ़े यस यस तो और तो सेंटर किसका इंटरसेक्शन पॉइंट है वापस बोलो एंड नेक्स्ट कम्स इज सर्कमसेंटर लास्ट हमारी मेहनत है फिर हमारा एंटरटेनिंग स्ट्रेट लाइंस चालू होने वाला है ओके यस सर सर्कमसेंटर एनीबॉडी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ perpendicular bisectors very good point of intersection of perpendicular bisectors of sides of the triangle ek aur definition is ki likho it is the center likhte jao center of the circle circumcenter center it is the center of the circle circumscribing the vertices of triangle एक और definition since it is the center it is equidistant from all vertices ये बहुत important point है चले भाई आगे यस यस 30 सेकंड्स चलो बाद में एक साथ लिख लेना इधर देखो अभी डायग्राम भी बनाओगे स्टॉप राइटिंग हाँ ट्राइंगल एबीसी है अब इनका हम क्या बनाएंगे साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ऑल्टीट्यूड क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर है देखो यस और नो यस यस परपेंडिकुलर एंड व्हाट इज दस बाइसेक्ट्स आल्सो तो क्या ये लाइन वर्टेक्स ए से ही पास करेगी क्या जल्दी बोलो नॉट नेसेसरली अगर हो गई तो फिर तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में भी सेम एज ऑल्टीट्यूड ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा सुना सबने यस यस बाइसेक्ट करिए साइड को तो फिर ये क्या मीडियन हो गया क्या नो सर नो सर वापस मीडियन अगर ये और ये सेम हो गया तो फिर अगेन कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा सो इट इज नॉट नेसेसरली डूइंग दैट सो पहली बात मैं क्या बना देता हूँ सर्कल ही बना देता हूँ तीन पॉइंट से एक यूनिक सर्कल पास करता है इतना पता है या नहीं पता है यस सर यस सर दो पॉइंट से क्या पास करती है लाइन लाइन तो अगर तीन पॉइंट हो गए तो तीन पॉइंट से एक सर्कल जरूर पास करेगा सुन लिया तुमने हमारा नेक्स्ट चैप्टर का नाम क्या है सर्कल्स इज दैट क्लियर एवरीवन यस सर स्ट्रेट लाइंस के बाद क्या करेंगे सर्कल्स ही करेंगे सो दिस इज द सर्कल विच इज पासिंग थ्रू ऑल द थ्री वर्टाइसेस अब उसका जब सेंटर की बात करोगे मान लो उसका सेंटर यहाँ है सर्कल का तो सबको पता है सर्कल के सेंटर से अगर किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो वो क्या होता है एवरीवन
bisect hota hai yaad aayi 10th class geometry everyone yes sir so can I say bc is the chord of that circle jaldi se agree karo yes so bc pe perpendicular drop kiya to bisect bhi ho raha hai na yes sir ab pe perpendicular drop kar diya ye bhi kya hoga bisect next maine ac pe perpendicular drop kar diya ye bhi kya hoga bisect so this is the these are the three perpendicular bisector of the sides can I select that now everyone yes sir aur isliye hum iske center ko kya bolte hain aapse circumcenter देखो ये डेफिनेशन तो क्लियर हो गई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल यहां तक क्लियर यस ये डेफिनेशन भी क्लियर हो गई इट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग क्योंकि ये सब पॉट्स हो गई है वो सर्कल की एग्रीड यस नाउ ये डेफिनेशन कैसे हो गई इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल द वर्टाइसेस है क्या ये ट्रू है क्या यस सर यस सर सारी ये चीज क्या हो गई ब्लू लाइंस आर नाउ रेडियस यस तो मैं दिख रही कितनी सारी ज्योमेट्री है यहाँ पे एवरीवन यस बहुत सारी चीजें हैं अब स्टेप्स लिखते हैं फिर कॉपी एक साथ कर लेना रेडी यस स्टेप्स टू फाइंड सर्कमसेंटर सेंटर क्या होगा आर ई होगा ई आर होगा मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ आर ई तुम भी कंफ्यूज हो ना सर अभी सर आरी होगा सर अभी आपने भी कंफ्यूज कर दिया ओके क्या दुआ करोगे भगवान से सबसे पहले चेक इक्विलैटरल ट्रायंगल राइट ट्रायंगल इक्विलैटरल है तो वो तो सब बल्ले बल्ले ही है वैसे ही चेक फॉर राइट ट्रायंगल क्यों राइट ट्रायंगल के लिए वर्टेक्स बी है क्या सर्कमसेंटर नो सर ये तो ऑर्थो सेंटर होता है सर्कमसेंटर क्या होगा हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट सबको क्लियर है ये यस हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट भी सर्कमसेंटर यस वहीं पे ये सब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होते हैं और सर्कल जो होता है 90 डिग्री के कारण सबको पता है एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री ये तो पता है ना सबको यस हां 90 डिग्री तो अगर एक सर्कल है तीनों वर्टेक्स से पास करेगा सोचो एंगल भी 90 डिग्री है तो एसी हाइपोटेन्यूज हो गया नहीं हो गया कम ऑन Yes, AC sorry, yes, hypotenuse क्या बोल रहा हूँ? AC diameter हो गया नहीं हो गया? AC, come on. Yes, देख लो भाई, ये 90 degree है तो इसके opposite वाला AC diameter हो गया और diameter का midpoint क्या होता है? Center. Center. सबको clear यहाँ तक? Yes. So अगर right angle triangle है तो कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी. Step two. Check. मतलब अब राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो ऑर्थो सेंटर पहले निकालने के लिए मैंने बोला था या और सर्कम सेंटर क्या बोला था बताओ सर्कम सेंटर तो यूजुअली 20% क्वेश्चन इसके होंगे 30-50% क्वेश्चन इसके होंगे क्या तुम्हें ये चीज करनी पड़ेगी क्या करनी पड़ेगी चेक इफ कहीं ओरिजिन तो सर्कम सेंटर नहीं है बहुत बार ऐसे ही हो जाता और हु इज गोइंग टू टेल मी हाउ डू विल चेक हाउ विल यू चेक कौन सी फंडे से चेक करोगे इन तीन डेफिनेशन में से कौन सा यूज करोगे सर डिस्टेंस फार्मूला वेरी गुड बस ये चेक करो कहीं ओरिजिन इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल द वर्टाइसेस तो नहीं है सुन लिया सबने यस सर बहुत बार ऐसे ही लकी हो जाता है अभी मैं क्वेश्चन दूंगा तब तुम खुद बताओगे मैं नहीं बताना चाहता चलेगा यस बहुत सारे केसेस में ओरिजिन ही सर्कम सेंटर हो जाएगा तो सर्कम सेंटर आ गया नेक्स्ट फिर क्या निकाल लेना सेंट्रॉइड निकाल लेना using centroid formula and then find ortho center using which line Euler's line Euler's line jo bhi padhaunga kya yahan tak clear sabko yes sir yes sir step 3 in very few cases agar origin bhi circumcenter nahi hai to fir assume karo circumcenter ko a comma b and use distance formula ca equal to cb equal to cc oh, sorry o yes distance formula equidistant from all the vertices right everyone yes sir yes sir to fir thodi mehnat karo aur fir circumcenter nikalo kya ye steps sabko clear hai yes sir
यस सर डायग्राम बनाओ फिर कॉपी करो सर कल जब आपने हमारी तारीख हमारी बैच की तारीफ की तो बहुत चौंक गए सर फिर बुराई करी थी वो नहीं सुना था क्या सर आपने बुराई करने से पहले प्रेस किया था वो तो मुर्गों को हलाल करना पड़ता है तो पहले वो स्टेप तो करना पड़ता है ना सर जेई एडवांस 2023 में कुछ चेंज आया है सर कुछ इफेक्ट हुआ है आया है तुम्हारे आया ना कि नहीं आएगा वो अलग बात है ना इस बार तो इनका पूरा कोविड बैच था इसलिए एक आध चैप्टर कम किया और वो भी वेरी वेरी लेस इम्पोर्टेंट वाला चैप्टर यू डोंट नीड टू वरी क्योंकि नेक्स्ट ईयर तुम्हारा तो क्या कोविड बैच नहीं है उनका तो जब कोविड 2020 में बना था दो महीने तो लेट ही क्लास चालू हुई थी सो तुम्हारे साथ तो नहीं होगा सर लेकिन रिडक्शन 2023 बैच के लिए 2023 के लिए आया हाँ सर 2023 के लिए आया बट अभी देखना पड़ेगा यार ये सब समटाइम्स दे जस्ट गिव इट फॉर द सेक ऑफ इट जैसे बाइनोमियल में उन्होंने बताया उन्होंने बाइनोमियल फॉर पॉजिटिव हाँ मतलब अब वो इतने तुम कभी देखोगे तो 2022 का भी सिलेबस देखना ऐसे ही वर्ड्स लिखते हैं वो जैसे अब SOT है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल जिसमें साइन रूल कोसाइन रूल तो वो उन्होंने लिखा ही नहीं चैप्टर का नाम बट दे कैन इजीली से इट इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री समझ रहे हो Yes, sir. तो रिस्क तो लेंगे नहीं लेना है क्या हम रेडी है नहीं हम तो रेडी है बोलो अब जैसे SNS में से हार्मोनिक मीन उन्होंने लिखा ही नहीं है सॉरी HP लिखा ही नहीं है तो अब यार वो तो बोल देंगे क्या एप्लीकेशन ऑफ एपी एपी तो रोते रहोगे तुम सर मतलब इन कुछ निकाला ही नहीं है मतलब बेसिकली पढ़ना तो हमेशा यही सब चाहिए भले उन पे कम फोकस कर लो चलेगा समझ में आ रहा यस सर कंफ्यूज नहीं होना है सर्कम सेंटर को किस लेटर से डिनोट करते हैं ओ ऑर्थो सेंटर को एच अरे ये गाना गा रहा था क्या चलो जल्दी फिनिश करो एवरीवन और ये बताओ राइट एंगल ट्रायंगल कैसे चेक करते हैं हम हाउ डू वी नो समथिंग इज राइट एंगल ट्रायंगल सो साइड्स का स्लोप्स निकालो एंड देन सी इफ देयर पाइथागोरस इज नॉट अ गुड थिंग डिस्टेंस तीन डिस्टेंस निकालना इज पैथेटिक काम है ना कभी कभार Better is M1, M2 equal to come on. Minus one. जिसका हो गया है copy, they will do a revision, quick revision, जल्दी से तीन दोनों का सर last step नहीं दिख रहा सर step three निकाल सकते हैं
हो गया सबका कॉपी? यस सर। यस सर। क्विक रिवीजन हो गया? यस सर। यस। चलो फर्स्ट क्वेश्चन करो। मैंने मंडे को बुकलेट होमवर्क देना भूल गया था ना? ये डिड आई? मैं बुकलेट होमवर्क नहीं दिया था। क्या बच्चों उसमें? चार ही थे शायद। ओके चार भी है तो काफी है, बट कर दो आप वापस है ना। यस सर। यस सर। थर्टी सेकंड यू शुड बी डन। यस को चेक करा? हाँ सर चेक हो गया। यस सर। यस। इज इट राइट एंगल ट्रायंगल? यस सर। यस सर। इसका स्लोप निकाला देखो। तो क्या होता है स्लोप का फॉर्मूला? नहीं बड़ी y2 - y1 y2 - y1 - x1 + 2 3 - 4 देन रैंडमली इसका निकाला हो सकता है। यहां पे वो परपेंडिकुलर करेक्ट ना, कहीं भी हो सकता है, बट स्लोप निकालने में टाइम नहीं लगता है तो फटाफट करना पड़ेगा। माइनस फोर अपॉन माइनस थ्री फोर बाई थ्री, काम हो गया क्या? यस यस यस। एम वन एम टू माइनस वन है, सो एंगल ए इज 90 डिग्री। आई होप ऑल ऑफ यू आर विथ मी। अगर ए 90 डिग्री है तो ऑल्सो सेंटर आ गया, कौन है? वर्टेक्स ए। यस करेक्ट एवरीवन? यस सर। यस सर। एंड सरकम सेंटर इज नथिंग बट मिड पॉइंट ऑफ BC पे मिडपॉइंट का फॉर्मूला लगा दो, 3/2, 3/2। किसी का डाउट? नो सर। फाइव सेकंड्स मोर, जल्दी कॉपी करिए। चलो क्या पढ़ेंगे अभी? ऑयलर्स लाइन।
लिखना बंद करो, देखो सर ये वाला पॉइंट कौन सा है ये बताना, तुम बताओ पहले अभी बैठे रहे। ये वाला पॉइंट कौन सा है जो मैंने ऐसा रफली बनाया ऑल्टीट्यूड, जल्दी बोलो यार, कम ऑन। सेंटर याद है एच एवरीवन? यस। ओके देन ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, ये मैंने ऑलमोस्ट साइड को बाइसेक्ट करा है परपेंडिकुलरली, कम ऑन। सर्कमसेंटर। तो ये दोनों पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्या है कोलिनियर? कोलिनियर मतलब दे लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन, दैट लाइन विल बी कॉल्ड एज यूलर्स लाइन। और उसमें उसमें लकीली हमारे पास कोइंसिडेंस क्या है, सेंट्रोइड भी कोलिनियर होता है, सेंट्रोइड भी उसी लाइन पे लाई करता है, सच दैट एच जी एंड ओ आर इन द रेशियो ऑफ 2:1। ये एक फिक्स्ड इंफॉर्मेशन है, जैसे कोई भी सेंट्रोइड मीडियन को किसमें बाइसेक्ट करता है, 2:1 में करता है ना एवरीवन? यस यस। तो वैसे ही ऑयलर्स लाइन हर ट्राइंगल के लिए वैलिड है, एवरी ट्राइंगल के लिए दिस रेशियो इज 2:1 एक्सेप्ट फॉर विच टाइप ऑफ ट्राइंगल? इक्विलैटरल। के लिए वैलिड क्यों नहीं होगा? सारे कोइंसाइड करते हैं, ऑल थ्री आर द सेम थिंग। सो उसके अलावा हमेशा ये रेशियो 2:1 ही रहता है। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस यस। इसको याद करने के लिए, रिमेंबर के लिए बस मैं एक टेक्निक याद करता हूँ, जैसे मैं भी भूल गया था अभी, तो मैंने याद किया कि ONGC रूल। ONGC पता क्या है? यस, ऑयल एंड नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन। तो ये एक मतलब कंपनी है ना अपने इंडिया में ऑयल की, तो मैं बस उस तरीके से याद रख लेता हूँ कि यस ये तीनों पॉइंट्स, एच किसके लिए होता है? ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर का फर्स्ट लेटर ओ, सेंट्रोइड का फर्स्ट, सेंट्रोइड तो ठीक है चलो जी से डिनोट करते हैं, सी स्टैंड फॉर सर्कम सेंटर तो सर्कम सेंटर के लिए सी, एंड एन इज कॉल्ड एज 9-पॉइंट सेंटर। यस ये भी एक रियल पॉइंट है, बट ये हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए पढ़ाते नहीं। तो ये सारे के फर्स्ट लेटर्स मिला के क्या हो गया एक तरीके से? ONGC, जिसमें ये सब सब रेशियो कितना है? इक्वल है, 1:1:1। तो अगर मैं एन को गायब कर दूं तो कितना हो गया? 1:2:1. और ONGC के नाम से याद रख सकते हो, फिर ओ स्टैंड फॉर ऑल्टो सेंटर तो तुम कन्वर्ट कर दोगे एच में, सी स्टैंड फॉर सर्कम सेंटर तुम कन्वर्ट कर दोगे ओ में। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes. 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 इस तरीके से कभी आफ्टर वन ईयर तुम भूल जाओ इस लाइन को, रेशियो में कंफ्यूज हो रहे हो, तो मेरी एडवाइस याद कर सकते हो ONGC रूल बस। क्लियर एवरीवन? यस यस यस। कॉपी करो। एन वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं वैसे? 9-पॉइंट Thank you.
हाँ भाई हो गया कॉपी? यस यस ओके आई होप हो गया ये सब। यस सर। अच्छा चलो अगर हो ही गया तो एक बार वही काम करते हैं। याद है लास्ट क्वेश्चन? यस सर। यस सर। इसमें एक बार वेरीफाई करें ओलर्स लाइन का रेशियो। यस सर। यस सर। है ना? तो देखो क्या करते हैं, सेंट्रोइड निकाल लेते हैं सबसे पहले। सेंट्रोइड का फॉर्मूला ठीक है, माइनस है ना, माइनस टू प्लस वन माइनस वन 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 बाय थ्री, राइट एवरीवन? यस। तो ONGC रूल मैं भी भूल जाता हूँ तो मैं भी ऐसे याद रखता हूँ। ONGC O स्टैंड फॉर ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड GC C स्टैंड फॉर सर्कम सेंटर। तो हमारा H क्या है, 2, -2, 5/3, 1/3, O स्टैंड फॉर 3/2, 3/2, हमें रेशियो निकालना है। चलें? यस यस सर। सो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट किसी पे भी लगा सकते हो, लैम्डा इंटू 3/2 प्लस 1 × 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1, सही है ना बच्चा? यस यस सर। 3 मल्टीप्लाई किया 9/2 लैम्डा प्लस 6, 10 - 9 is lambda by 2, is 6 - 5 is 1, lambda कितना आ गया? 2. तो ratio कितना है? 2:1. तो अब हर बार Euler's line लगाने के लिए कहना है सही diagram बना के एक बार फटाफट section formula लगाना पड़ेगा? Yes sir. Yes sir. तो मतलब ठीक है ये लगा लो, या फिर तुम्हें एक shortcut की तरह याद करा देता हूँ वो भी चलेगा, मतलब देख लेना जो तुम्हारी इच्छा है। क्या कि G is equals to 2 × O plus 1 × H divided by 3, so 3G is equals to 2O plus H. Can I say like that? Come on. Yes. अब G कौन है? Centroid का X coordinate या Y coordinate? सर दोनों। जब X के लिए लगा रहे हो तब X के लिए लगा देना, जब Y के लिए लगा रहे हो Y के लिए लगा देना। Clear everyone? Yes. Yes. और ये तो भूल ही जाओगे, 4 महीने बाद तो भूल ही जाओगे, यही याद आएगा। क्लियर है ना? कैन आई गो नेक्स्ट पेज एवरीवन? यस ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आज के एक लेक्चर में काम आएगा। Do you understand the reason why? Huh? सिर्फ आज के लेक्चर तक ही याद रहता है, उसके बाद तो भूल ही जाओगे, यही याद रह जाए काफी है। सुन लिया? Yes. Better है section formula use करो। Find circumcenter, ortho center, centroid for a triangle.
यस सबसे पहले क्या चेक करते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल निकला राइट एंगल ट्रायंगल या नहीं नहीं निकला सर नहीं सर मुझे तो एक्चुअल डायग्राम से भी दिख रहा है कि नहीं हो सकता ये 5.0 3.4 4.3 इस टाइप का ऑब्ट्यूज ट्रायंगल दिख रहा है समझ में आ रहा है यस सर यस सर अगर दूसरी चीज क्या चेक करते हैं अपन सर 0.0 सर्कम सेंटर है चेक कहीं ओरिजिन तो सर्कम सेंटर नहीं और कैसे चेक करते हैं बच्चों अगर इसको मैंने सर्कम सेंटर माना है तो OA OA की लेंथ कितनी हो गई 5 हाँ है ना डिस्टेंस फॉर्मूला एवरीवन यस यस सर 3.4 OB कितना हो गया वेयर B इज 4.3 5 OC कितना हो गया वेयर C इज 5.0 5 तो फिर 100% हो गया ना सर्कम सेंटर यस यस अब कैसे निकालूं सर यूलर्स लाइन यूलर्स लाइन के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा एंड्रॉइड 3 + 4 + 5/3, 4 + 3 + 0/3 तो कितना आ गया 7 12/3 4.7 अब सेक्शन फॉर्मूला लगा दूं यस Yes. BG is equals to 2O plus H. Now use Euler's sign. Yeah, you know, 2H plus O. 2O plus H. इसलिए ये डायरेक्टली हाँ मैं यूज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को अभी करने की इच्छा नहीं हो रही बट तुम्हें यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि याद नहीं रहने वाला है क्लियर ना yes, x कोऑर्डिनेट के लिए 3 × 4 इज़ इक्वल टू 0 प्लस h तो h का x कोऑर्डिनेट 12 आ गया y कोऑर्डिनेट 3 × 7/3 इज़ इक्वल टू 0 प्लस h तो h का y कोऑर्डिनेट भी आ गया बिल्कुल क्लियर एवरीवन यस सर यस यस कोई डाउट एनीबॉडी No.
5 seconds to copy. I hope we are done, everyone. Yes. Yes, sir. कोई कॉपी तो नहीं करा है, सबने कर लिया है. Otherwise, it's your responsibility. कभी कार वेट बोलना और ये सब. कभी छूट भी जाए तो वापस रिमाइंड कर रहा हूँ. Do not panic. Leave some space. Always focus on the current thing. करो ये. So C is 6,6 or 6,0? 6,6. हेलो Is this right angle triangle? No, sir. No, it is not. Next, is origin circumcenter? No, sir. I hope you copy me. Likhe dono step reject kare tumne, right? Yes, sir. Now what you'll do? Sir, x comma y comma b. Distance formula se circumcenter nikalo.
ए कॉमा बी मान लो, एक्स कॉमा वाई मान लो, जो तुम्हारी इच्छा है। ओके Yes, everyone ready? Hansa aaya? Yes, sir. क्या है आप बताओ? Sir, थोड़ा अजीब लग रहा है sir, लेकिन 23/8 और 17/4/17/4 मैं ये नहीं समझ में आ रहा कि साथ में तीन चार जने बोल रहे हो तो मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। Sir, circumcenter is 23/8, 23/8 Anybody else? 23/8, 23/8 Very good. Correct है दोनों का 23/8, 23/8
आया ये डिस्टेंस फॉर्मूला से, अब ये मैं ही करूंगा। यस यस सर, आ गया सर। बाकी जिन बच्चों का नहीं आया, कोई मिस्टेक हो गई, कितना कॉन्फिडेंट है कि ये निकाल लेंगे एवरीवन? यस यस, होता है ना ये वाला पार्ट एवरीवन? यस यस सर। मेरी आवाज क्लियर है सर? थोड़ी नाइस क्लियर आ रही है ना? अभी बेटर है? नहीं सर, नहीं सर, कोई पॉइंट आ रही है। Now is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो चलो ये आ गया, फिर अब क्या? सेंट्रोइड निकाला होगा सबने? Yes, sir. Yes, sir. कितना 10 by 3, 10 by 3? Yes, sir. Okay. And then Euler's sign use करके क्या आया बताओ फिर? और तो सेंटर? 17 by 4, 17 by 4. Correct everyone? Yes, sir. Yes, sir. किसी को इश्यू नहीं सर? लास्ट चांस, चलो भाई फिर। दैट फिनिशेस व्हाट? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ना? अब चैप्टर का नाम क्या है? तो जो वंडर कर रहे हैं, आई होप सबको पीछे की मिस्ट्री तो पता ही है, राइट एवरीवन? यस यस सर। चार क्लास हमने बस इंट्रोडक्शन दिया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, एक तरीके से जो जो चीजें हर चैप्टर में काम आएगी, ये स्ट्रेट लाइन सब चालू हो रहा है। तो स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन क्या होती है, लिखो जल्दी से। हर चीज की डेफिनेशन आप पता है फर्स्ट वर्ड क्या आएगा? पैराबोला, एलिप्स, सब की डेफिनेशन में फर्स्ट वर्ड क्या आएगा? क्या? लोकस। लोकस मुझे रिमाइंड कराओ, लोकस मैथमेटिकली एज वेल एज ज्योमेट्रिकली क्या होता है? जैसे अगर मैं बोलूं दो पॉइंट्स है, तो एक पॉइंट का लोकस बताओ जो इनसे इक्विडिस्टेंट है, तो ज्योमेट्रिकली हमें फील आ गई कि वो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। एग्री करो ऑल ऑफ यू? कम ऑन। यस यस। इसका मतलब कहना है, ज्योमेट्रिकली लोकस इज अ कर्व विच सेटिस्फाई द कंडीशंस। जल्दी से एग्री करो, जैसे इस क्वेश्चन के लिए लोकस इज दिस स्ट्रेट लाइन। कम ऑन, एग्री करो ऑल ऑफ यू? यस यस। क्या बोला? कॉन्फिडेंटली बोलो, ज्योमेट्रिकली लोकस इज अ कर्व, लोकस इज अ पाथ ट्रेवल्ड बाय अ पॉइंट मूविंग अंडर द ज्योमेट्रिकल कंडीशन। रिपीट करो एवरीवन। यस, लोकस इज द, बोलो, पाथ ट्रेवल्ड बाय द मूविंग पॉइंट। मूविंग मतलब यस, मूव कर रहा है अंडर द गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशन। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस यस। और मैथमेटिकली लोकस का लास्ट स्टेप क्या होना चाहिए? एन इक्वेशन इन इंडिपेंडेंट ऑफ एनी पैरामीटर। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस यस। तो अब स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन क्या होगा? स्ट्रेट लाइन के लिए दे क्या रखा होगा? तुम्हें दो पॉइंट दे रखे हूँ, तो स्ट्रेट लाइन इज व्हाट? बोलो। अ लाइन जॉइनिंग द टू पॉइंट्स। लाइन जॉइनिंग द टू पॉइंट्स, यस। बस लोकस ऑफ अ पॉइंट पीएच कमा के सच दैट, कैन आई से लाइक दैट इट इज कोलिनियर विद ए एंड बी? एवरीवन? यस। हाँ भाई। यस यस। It is collinear with two given points A and B. लिखना बंद करो मेरे साथ, देखो अभी पहले पूरा। सो अब ये A और B दे रखे हैं, लेट्स से x1 y1 एंड x2 y2। लोकस के लिए डायग्राम बनाना है, तो ये A भी बनाया और यहाँ पे कहीं पॉइंट P ले लूँ, h कॉमा k एवरीवन? यस यस। तो अब बताओ ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या लगानी है मुझे?
व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल कंडीशन हियर, क्या गिवन है क्वेश्चन में? कोलिनियर, कोलिनियर है। अब कोलिनियर के लिए क्या क्या कंडीशन होती है याद करो, मैंने क्वेश्चन भी कराया था एवरीवन। कोलिनियर के लिए क्या क्या लगा सकता हूँ मैं, एरिया इज इक्वल टू जीरो और सेक्शन फॉर्मूला लगा सकता हूँ, और सबसे बेस्ट क्या लगाऊंगा आप? स्लोप। वेरी गुड। और स्लोप कंसेप्ट क्या लगाऊंगा, स्लोप वाइज कंसेप्ट? बच्चों स्लोप ऑफ एपी विल बी सेम एज स्लोप ऑफ कम ऑन बीबी। और कैन आई से फर्दर एबी आल्सो एवरीवन? यस। तो मुझे तीन से तो कोई मतलब नहीं, दो से काम चला लो। कैन आई से इससे काम चला लो एवरीवन? यस सर। अच्छा x1 y1 गिवन है या अज्यूम किया है मैंने? गिवन है सर। गिवन है, गिवन है, दिख रहा है ना, गिवन एवरीवन? यस यस। और h कॉमा k कौन है? लोकस है, लोकस है, यही इसी के टर्म्स में आंसर आता है। लास्ट स्टेप में h को क्या रख देते हैं? x y। k को क्या रख देते हैं? y। तो चलो करें फिर एवरीवन। यस सर। डायग्राम देखो और स्लोप ऑफ एपी बताओ। के माइनस वाई वन माइनस स्लोप ऑफ एबी बताओ। एबी वाई टू माइनस और यही स्लोप ऑफ एबी भी है, राइट एवरीवन? यस। तो अगर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया के माइनस वाई वन इज वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन into h minus x1, is there any independent parameter, कोई भी parameter है जो तुम्हें नहीं पता है यहाँ पे? नहीं सर। पूरी equation x और y1 में, x1 y1 में वो तो पता है, h और k तो locus है, वो unknown नहीं बोलते हम, तो अब h को किससे replace करूँ? x से, और k को किससे? y। so finally equation of कौन सी आ रही है, क्या आने वाली है? equation of straight line, straight line AB, where a is x1 y1, b is x2 y2। कौन बता रहा है कि आ गई है? y minus y1 y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1, correct everyone? yes sir, yes sir। जिसमें ये कौन है? तो फिर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को मैं ऐसे भी लिखूंगा, चलेगा ना? m into x minus x minus। यहाँ तक क्लियर एवरीवन? यस सर। इसको कौन सा फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन बोलते हैं? इसको बोलते हैं टू पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन। क्या बोलते हैं एवरीवन? टू पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन। व्हाई टू पॉइंट फॉर्म? क्योंकि दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यूज हो रहे हैं, देखो जल्दी से। हाँ है ना एवरीवन? Yes, और ये अलग चीज है या सेम चीज है? सेम चीज है। डिफरेंट फॉर्म्स है, जैसे किसी का नाम, घर का नाम चिंटू हो सकता है, बार का नाम हो सकता है अमय, तो फॉर्म तो एक ही है ना, मतलब फॉर्म्स डिफरेंट है ना, बस नाम तो एक ही है, राइट एवरीवन? यस सर। तो वैसे ही दोनों स्ट्रेट लाइन सेम है, लिखने के तरीके अलग है। ऊपर वाले को बोलते हैं टू पॉइंट फॉर्म और इसको क्या बोलेंगे, गेस करो? स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म। यहाँ तक सबको क्लियर? यस यस। सो यस, दिस इज लाइक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन फॉर स्ट्रेट लाइन चैप्टर। समझ में आ रहा है? यस सर। यस। और ये एम कौन है वापस यहाँ पे? स्लोप। स्लोप ऑफ ए बी, जिसकी वैल्यू क्या होती है एवरीवन? वाई टू माइनस। कॉपी करो।
हो गया भाई? यस यस। ये नाम भली मत लिखो, मैं नेक्स्ट पेज पे लिखाने वाला हूँ, तुम तो बस ये आंसर लिख दो, क्लियर? बस यहां तक लिख दो, काफी है। ओके, आई होप यू आर डन ऑल ऑफ यू। यस यस सर। चलो हेडिंग लिखो फिर, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस। फर्स्ट वापस लिख दो टू पॉइंट फॉर्म, छोटा सा डायग्राम बनाओ और इक्वेशन लिखो जल्दी से, मेरे साथ ही लिखो, लेट मी सी क्या करते हो। एक छोटा सा डायग्राम रफली ऐसा हो सकता है ना, दो पॉइंट्स दिखने चाहिए कुछ मुझे, एग्रीड? यस सर। और जो स्ट्रेट लाइन में एक्स कॉमा वाई है वो कौन है? एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ व्हाट? एनी पॉइंट ऑन दिस, इज दैट क्लियर? एनी पॉइंट, यस सर। एनी मतलब क्या, ये फिक्स है या मूवेबल है? मूवेबल है, कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो क्या है मेरे साथ, रिपीट करना anybody? y माइनस y1 y1 इज इक्वल टू m y2 माइनस y1 अपॉन x माइनस x डिवाइडेड बाय x माइनस x x माइनस x1। सेकंड स्लोप पॉइंट फॉर्म, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या हो जाता है, बस y माइनस y1 इज इक्वल टू m इनटू x माइनस x1, वेयर m, अब से कोई लिखने की जरूरत नहीं है, सबको पता होना चाहिए बिल्कुल, ये स्लोप ऑफ ab है व्हिच इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y इंटरसेप्ट क्या होता है बच्चों, मैंने पहले बताया था सर, x जिस पे जीरो होता है। हां वेरी गुड, जिसका x कोऑर्डिनेट जीरो होता है तो y कोऑर्डिनेट सी है, बस ये बोल रहा है वो, एग्रीड ऑल ऑफ यू? यस 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 सर। हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव सर कुछ भी हो सकता है। वेरी गुड, तो इफ c इज द y इंटरसेप्ट एंड m इज द स्लोप, देन जल्दी से प्रूव करो, इसी लाइन ऊपर वाली लाइन को कन्वर्ट करो और बताओ क्या आता है। मतलब x1 y1 नहीं दिखना चाहिए मुझे, क्या दिखना चाहिए, सिर्फ m और
सी राइट ना, जो भी तुम्हारी इच्छा है जैसे भी तुम्हें करना है करो, बड़ी शुरुआत से चालू करो, ये डायग्राम से चालू करो, ऊपर वाले से चालू करो, जैसे भी करना है करो। निकालने के लिए क्या दो डेटा चाहिए आपसे? यू टेल मी, दो डेटा सर, स्लोप और एक पॉइंट या दो पॉइंट। वेरी गुड, या तो टू पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट एग्री करो ताकि टू पॉइंट फॉर्म। हाँ है ना बच्चों? यस सर। या फिर स्लोप एंड वन पॉइंट, ताकि ये वाला फॉर्म यूज कर सके। एग्री करो ऑल ऑफ यू? यस सर। यस, तो मैंने अब थर्ड पॉइंट ये इस क्वेश्चन के लिए, या यू मान लो कैन आई से एक पॉइंट दे रखा है क्या मैंने? यस सर। हैव आई गिवन वन पॉइंट ऑन द लाइन? यस, दिस इज दैट वन पॉइंट। एग्री करो ऑल ऑफ यू? यस सर। और मैंने स्लोप दे रखा है क्या बच्चों? यस सर। यस, तो यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म वी कैन फाइंड द लाइन। स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या बोलता है? y माइनस y1। यहाँ पे y1 कौन हो गया बच्चों, जल्दी से बताओ? c y माइनस c इज इक्वल टू स्लोप इनटू x माइनस 0। ऑल ऑफ यू विद मी? यस यस। सो y माइनस c इक्वल टू mx, जिसको हम किस फॉर्म में याद करेंगे? y इक्वल टू mx प्लस c। यहाँ पे अच्छी तरह लिख लो, वेयर c कौन होता है एवरीवन? वापस तीनों चीज करो जल्दी से। या मैं थोड़ा और अच्छा कर देता हूं, रुको। चलो सही है, अब तीनों चीज का निकालो जो जो पूछा है मैंने। हो गया सबका? यस यस यस। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। यस सर। हो गया सर। हम्म, हो गया। चलो डिस्कस करते हैं, एवरीवन रेडी? यस सर।
यस यस चलो मुझे बताते भी जाओ ये कौन से फॉर्म ऑफ लाइन है ये वाला सर स्लोप पॉइंट स्लोप पॉइंट उस इसका पॉइंट कौन है 1.3 सबको दिख रहा है ना एवरीवन यस सर और स्लोप कितना है 4/3 ओके देन ये कौन सा फॉर्म ऑफ लाइन लग रहा है स्लोप इंटरसेप्ट y इक्वल टू mx प्लस c तो स्लोप कितना है 4/3 y इंटरसेप्ट कितना है 5/3 ये और ये लाइन सेम है तुम्हें पता है ना ये सुनो देख लो अगर नहीं पता है तो 4/3x माइनस 4/3 बस ओपन करा मैंने एग्रीड यहाँ तक अब 3 को राइट साइड में शिफ्ट कर रहा हूँ y इक्वल टू 4/3x प्लस 3 एलसीएम 9 माइनस 4 5/3 दिखा यस ओके नेक्स्ट कैन आई से ये भी सेम है बस मैंने 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करा और सब कुछ एक ही फॉर्म में ले आया हूं yes, sir. इसको अब हम अपना फोर्थ फॉर्म बोलेंगे कॉल्ड एज जनरल फॉर्म ऑफ अ लाइन क्या बोलते हैं इसको जनरल फॉर्म ऑफ अ लाइन अभी लिखेंगे उसके बारे में बट अब इसका स्लोप निकालना है तो कैसे निकालूंगा मैं कैन आई से स्लोप निकालने के लिए इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं फटाफट एवरीवन इस फॉर्म में y इक्वल टू mx प्लस c 4x प्लस 5 डिवाइड बाय 3 कर दिया बच्चों 4/3x प्लस 5/3 स्लोप आ गया कितना 4/3 यहां तक कंप्लीट कर लो पहले फिर फोर्थ फॉर्म लिखते हैं हो गया भाई कॉपी यस तो बिफोर आई राइट द फोर्थ फॉर्म यू टेल मी कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या काम आता है हमारे थर्ड फॉर्म क्या काम आता है कि एक्चुअली हम दूसरों को इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ताकि फटाफट स्लोप दिख जाए एग्रीड ऑल ऑफ यू यस सर यस अच्छा ऊपर वाले दोनों फॉर्म किस काम में आते हैं सर वो पॉइंट्स निकालने के लिए काइंड ऑफ और कैन आई से अगर दो पॉइंट्स दे रखे हैं तो लाइन के इक्वेशन हम इन्हीं के तो इन्हीं से निकालते हैं एवरीवन यस सर यस सर जैसे ही मैंने दो पॉइंट दिए कौन सा फॉर्म यूज करते हो तुम लाइन निकालने के लिए टू पॉइंट फॉर्म जैसे कि अगर मैंने क्वेश्चन दिया 1.3 और 2.0 से लाइन की इक्वेशन निकालो तो तुम दोनों फॉर्म तो एक ही चीज है कम ऑन मैं पहले स्लोप निकाल लूं फिर स्लोप पॉइंट यूज करूं या डायरेक्टली वो यूज करूं चलेगा ना यस सर सो मैंने इसको x1 y1 ले लिया y-3 इक्वल्स टू x-1 यहां पे कौन आता है अब स्लोप अब स्लोप की वैल्यू बता दो 3-0 3 अपॉन 1-2-1 सही है बच्चों यस सर अभी तक ये कौन सा फॉर्म है 2 पॉइंट फॉर्म और स्लोप पॉइंट फॉर्म एग्रीड यहां तक बच्चों यस सर बट कभी भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारा फाइनल आंसर या फिर क्वेश्चन लाइन की इक्वेशन इस फॉर्म में देगा क्या ऐसे नहीं सर किस फॉर्म में फाइनल आंसर छोड़ना चाहेगा कम ऑन जनरल फॉर्म या फिर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म सुना सबने तो माइनस वन को क्रॉस मल्टीप्लाई किया माइनस वन प्लस 3 इज 3x-3 अब सब कुछ मैं कहा मतलब जो तुम्हारी इच्छा है चलो पहले 3 को उधर ले जाते हैं माइनस वाई इज 3x-6 या तो तुम इस फॉर्म में आंसर छोड़ोगे विच इज कॉल्ड एज कौन सा बच्चों इंटरसेप्ट फॉर्म यस और नो एवरीवन यस या फिर तुम इन दोनों को भी लेफ्ट साइड में लाओगे 3x+y-6 इस फॉर्म में आंसर छोड़ोगे विच इज कॉल्ड एज व्हाट एवरीवन जनरल फॉर्म
यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? यस सर। जनरल फॉर्म की बात करते हैं और जस्ट पहले वर्ड ये बोलते हैं जनरल फॉर्म इज यूज्ड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन और जनरल फॉर्म में आंसर छोड़ा जाता है। क्वेश्चन लाइन की इक्वेशन हमेशा किस फॉर्म में देगा? जनरल फॉर्म। सुना सबने एवरीवन? वो लाइन की इक्वेशन ऐसे देगा। अब तुम्हें जो करना करो, तुम्हें इससे स्लोप निकालना है, तुम्हें जो करना है करते रहो। तो जनरल फॉर्म की जनरल फॉर्मेट कैसा होता है, कैसा दिखता है वो एवरीवन? ax plus by plus c is equals to answer is finally left in this form and question also usually gives equation of line in which form? This form. General form. General form. So example, if I say there are two points, 1, 0 and 3, 2. Line ke equation kis form se nikalenge? Use? Two point form, slope point form. Can I select that everyone? Yes. Yes, sir. So kya hoga? Koi bhi x1, y1, kisi ko bhi le lo yaar, doesn't matter. Y minus 0 is equals to x minus 1. अब y2 माइनस y1 कर रहा हूँ बच्चों, सब एक ही चीज है, माइंड मत करना। y इज इक्वल टू 2 अपॉन कितना हो गया? 2 हो गया ना? यस यस, ये कैंसिल हो गया। सो y इक्वल टू x माइनस 1 अभी कौन से फॉर्म में आई है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब y को उधर ले जाऊंगा तो ये किस फॉर्म में आंसर छूटा है, जल्दी बोलो। जनरल फॉर्म। यहाँ तक क्लियर? यस यस। कॉपी करो यहां तक एक बार। वो मेरे ये शर्ट पड़ा है, समेट के दे रहा हूँ, समेटा नहीं है शर्ट और ऊपर। कॉपी करने के बाद जल्दी से स्लोप निकालो एबीसी के टर्म्स में से। नेक्स्ट क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, उससे पहले क्या करके आना है? एमपीएस। एमपीएस तो आई है और इन सब थ्योरी को रिवाइज करके आना है। क्लियर? यस सर।
कर लिया सबने? यस सर यस सर यस ओ भाई अरे चलो लाउड वॉइस में बोलो कितना आंसर माइनस ए बाय बी माइनस एक्स माइनस सी अपॉन मां अरे क्या क्या माइंड में आ रहा है तू सर बाय इज इक्वल टू माइनस एक्स बी वा हां मतलब फॉर्म कन्वर्ट कर रहा है तो ठीक है बट मैं तो सिर्फ स्लोप पूछ रहा हूं बच्चे सो आप कैसे डिवाइड कर दूंगा बी से बिल्कुल सही सो देयरफॉर हमें बिल्कुल बाय हार्ट याद रखना है कि अगर लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो उसका स्लोप होता है कोफिशियंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशियंट ऑफ वाई और उसके आगे माइनस लगा दो एम आई करेक्ट सही बोला है मैंने yes, yes, इस तरीके से फास्ट निकालना आना चाहिए मेरे साथ लाउड वॉइस अगर लाइन है 3x plus 4y minus 5 equal to 0, स्लोप कितना है? -3/4. अगर लाइन है 4x minus 3y plus 7 equal to 0, स्लोप कितना है? 3/4. कॉपी Done, everyone? Yes, sir. किसी को डाउट कोई? No, sir. चलो आज के लिए इतना ही. You can go now.